हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमानी मलिक और स्वागत है आप सभी राही का। तो बेसिकली आपको कई चीज़ों के बारे में बात करनी थी, डिस्कस करना था और इन्फॉर्म भी कुछ कुछ चीज़ें करनी थी आने वाले प्लान्स को लेकर। आने वाली आपके कुछ और प्लान्स हैं जो आपके लिए लेकर आ रही हूँ मैं। एक्चुअली तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही थी और लगातार आपकी क्लास में मिस भी नहीं कर रही थी, तो आज डॉक्टर के जाना था तो बाकी सारी चीज़ें उतना मतलब सारी चीज़ें हो नहीं पाई हैं सेटअप, तो इसीलिए आज आपकी क्लास नहीं हो पा रही है। दूसरी चीज़, कल होगी आपकी क्लास, कल से मिलेंगे। दूसरी चीज़ कि आपके लिए कुछ नया आ रहा है वो क्या चीज़ें हैं। तो पहली तो बात ये कि आपके लिए जो नया आ रहा है, तो वो जो आपको कई बार साइकोलॉजी में आप परेशान हो जाते हैं कि यार हमें तो समझ ही नहीं आ रहा और ये डेफिनेशन कहाँ से आ गई, ये फैक्ट्स क्या हैं, या फिर कोई जैसे कौन पहले आया, कौन साइकोलॉजिस्ट बाद में आया, किसने किसको चैलेंज किया, या फिर इसके अलावा मतलब जो भी कंसेप्ट हैं जो थोड़े टिपिकल होते हैं उसको एक फनी वे में या फिर इंटरटेनिंग वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो हम पढ़ते ही वैसे हैं, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा अलग से और एफर्ट डालने की मैंने सोची है, तो उसके लिए बिल्कुल अलग प्लेलिस्ट बन जाएगी। दूसरी चीज़, आपके लिए कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स वगैरह आएंगे, ठीक है, जल्दी से शुरू हो जाएंगे, एक दो दिन में शुरू हो जाएंगे। और तीसरी चीज़, अगर आप देखेंगे थोड़ा स्क्रॉल करके, अगर आप राय दिन नाम से जुड़े हुए हैं तो आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो इस पर आपको दो चैनल और दिखाई देंगे। तो वो जो दो चैनल्स हैं, ठीक है, तो वो जो दो चैनल्स हैं उसमें आपको एक चैनल मिलेगा राही ब्लॉग्स का। तो अगर आप राही ब्लॉग्स पर को चैनल को देखेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पे आपको क्या मिलेगा, उसमें कुछ एजुकेशनल फनी वीडियोस मिलेंगे। एक्चुअली है क्या ना, हम पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, भाग दौड़ भरी सी जिंदगी हो गई है, स्ट्रेस भी होता है, कहीं वैकेंसीज नहीं आ रही, कहीं बस स्ट्रेस होने लगता है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कई बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, हम पढ़ तो रहे हैं, कई सारी चीज़ें लगी रहती हैं, लेकिन मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। मतलब जिस भी रेस में हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मेंटल पीस बहुत पीछे छूट जा रहा है आज के डेट में। तो कुछ एजुकेशन मुझे लगता है इस तरीके से होना चाहिए कि वो एंटरटेनिंग लगने लगे। आपको जिस चीज़ से प्यार हो जाता है आप उसके साथ फिर कितना भी टाइम गुजारेंगे तो आपको पता नहीं चलता है। तो ऐसे ही कुछ स्टडी को बनाना है, हम जो पढ़ रहे हैं उसको इतना एंटरटेनिंग बना दो कि आपका मन करे खुद कि भाई 8 बजे क्लास होने वाली है, 8 बजे तो 8 बजे क्लास देखनी ही देखनी है, हम बीमार भी हैं तो हमारा मन करे ये क्लास मिस नहीं करनी। तो ऐसा कुछ इसी उद्देश्य से मैं पढ़ाती भी हूँ, यही मैं थोड़ा सा इसी एम को लेकर चलती भी हूँ कि भाई ऐसी चीज़ें आपको दी जाएँ कि आपको ये लगे कि नहीं, आज अगर CDP की क्लास मिस हुई है तो मैंने कुछ मिस किया है, भले मैं बीमार हूँ, भले मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ मतलब एक एंटरटेनिंग वे हो, एक घिसा पिटा ना हो, तो यही कुछ कोशिशें हैं आपके लिए। और ये परिवार है आपका, आप इस परिवार को सब्सक्राइब कर सकते हैं शामिल होने के लिए, और इसको सपोर्ट बनाए रखिएगा। ये परिवार आपका जितना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा आप लोगों के लिए उतनी ही मेहनत या फिर उतनी ही चीज़ें और एफर्ट या किसी भी तरीके से सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी, ये फॉर श्योर है, ठीक है। अभी तक भी जितनी भी चीज़ें मैं कर पा रही हूँ, चाहे वो किसी भी तरीके से रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज भी लगते हैं ऑब्वियसली, तो जितना मेरे पास है जैसे भी है जो कुछ भी है सारा कुछ लगाया जा रहा है, और शायद आपको एफर्ट दिख भी रहे होंगे या फिर जो भी है, चलिएगा, हम ताकत है आप हमारी, और इसी तरीके से बने रहिएगा। प्यार जितना आपका मिला है उसके लिए वर्ड्स तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इस प्यार को बनाए रखिएगा, और मिलते हैं आपसे कल 8 बजे। इसके अलावा आपको साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हो गए, उसमें बड़ा मज़ा आएगा आपको, क्योंकि साइकोलॉजी अपने आप पे इतनी बड़ी है कि आप उसको चाह के भी पता नहीं कब खत्म कर पाएंगे या कर भी नहीं पाएंगे। तो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स में ना अच्छा लगता है, मतलब मज़ा आता है, जैसे मैं पढ़ती भी हूँ तो जैसे मैं साइकोलॉजी, तो मेरा यही रहता है कि जैसे मैंने मेरे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे शायद, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, तो यही एक रीज़न है, क्योंकि यही सारी चीज़ें देखना, ऑब्जर्व करना, सारी चीज़ें करना, और साइकोलॉजिकल फैक्ट जैसे मैं पढ़ती हूँ मुझे लगता है यार ये तो स्टूडेंट को भी बताना चाहिए, ये तो हमें सबको पता होना चाहिए, अच्छा साइकोलॉजी ये भी कहती है, तो एक फनी वे में उसको लेना है, यानी कि कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है जो हमें शायद छोटी मोटी चीज़ें हमें जानने को मिलेंगी, क्योंकि रट्टाफिकेशन और जॉब के अलावा भी एक हमारी लाइफ है जिसको हमें आसान बनाना है, और शायद प्रॉब्लम सॉल्वर जिसकी हम बात करते हैं क्लास में भी, या उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश भी हमेशा से करती आई हूँ। तो ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा, आप बिल्कुल मस्त रहिएगा यार, खुश रहिए, है ना। और अपना एक एक तो ये कन्फर्म कर लीजिए कि भाई आप चाहे जितना मर्जी पढ़ते हों लेकिन मेडिटेशन ज़रूरी है, और मेडिटेशन के साथ साथ थोड़ा सा मतलब फिजिकल वर्क पे भी थोड़ा ध्यान दो। कहीं ना कहीं सारा दिन हम पढ़ रहे हैं, दिमाग भी थक जाता है
है ना, तो उसको भी हजम करने के लिए टाइम चाहिए होता है, जितना हम दिमाग में डाल रहे हैं वो हजम भी तो करे तभी तो बात बनेगी। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो अपना थोड़ा सा ना कहीं ना कहीं खुद के लिए भी समय निकालिए। दिन में 24 घंटे होते हैं यार, 24 घंटे में से कम 2 घंटे तो अपने मतलब ऐसे दीजिए जहाँ पे शांति से बैठ के सोचिए मैंने क्या किया, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी लाइफ का गोल क्या है, या फिर आज बिल्कुल फ्री माइंड से कहीं बाहर बैठना है जाके या जो भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस लेके बहुत ज़्यादा नहीं पड़ सकते या बहुत लंबी दौड़ नहीं दौड़ पाएंगे। आपको काम में मज़ा आना चाहिए तब जाके चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो चलिएगा फिर मिलते हैं, सब्सक्राइब द चैनल फॉर द फर्दर वीडियोज़ और नोटिफिकेशंस। सो मिलते हैं आपसे, और लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।